जनपद रामपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए बंद किए गए मदरसे आज खोल दिए गए हैं, लेकिन आज पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। यहां बड़ा मदरसा फुरकानिया का कहना है कि कल आदेश मिल गया था खुलने का, लेकिन अभी बच्चों को सरपरस्तों की रजामंदी लेने का काम शुरू हुआ है। जब रजामंदी मिलेगी तब हम तालीम शुरू करेंगे। वहीं मौलवी मोहम्मद रिहान खान, प्रिंसिपल मदरसा फुरकानिया, ने बताया कि आज के मदारिस खुलने का ऑर्डर कल आया है। आज तो सिर्फ कार्यवाही शुरू हुई है, अभी बच्चों के सरपरस्तों की रजामंदी के लिए आज से लेटर भेजे जा रहे हैं। अभी पढ़ाई की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, अभी देखना होगा कि कितने लोगों की रजामंदी हमें मिले। आपको बता दें कि इस मदरसे में यूपी, असम, बिहार और बंगाल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब आइए सुनते हैं मौलवी मोहम्मद रिहान खान, प्रिंसिपल मदरसा फुरकानिया, क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद रिहान खान। आज मदरसे खोले गए, शासन की तरफ से आदेश जारी हुए हैं, तो किस तरह का ध्यान रखा जा रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं? आज के मदारिस के खुलने का ऑर्डर और उसकी इत्तला हमारे पास कल ही आई है, इसलिए आज से हमने उसकी कार्रवाई शुरू की है। और उसके लिए जो प्रूफ फार्मा तैयार किया गया है वो तलबा के माँ बाप और उनके सरपरस्तों को भेजा जा रहा है। जब तक प्रूफ फार्मे भरकर माँ बाप की और सरपरस्तों की रजामंदी हमारे सामने नहीं आ जाती है, जब तक हम तालीम के लिए दूसरा कदम नहीं उठा सकते। तो वालिदैन की तरफ से जो आप जो प्रूफ फार्मा भेज रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दुश्वारी? दिक्कतें तो अभी कुछ नहीं आ रही हैं, क्योंकि आज ही ये काम शुरू हुआ है। अब कोई दिक्कत सामने आएगी तो कल और परसों उसका अंदाज़ा होगा। अभी कुछ बच्चे आए पढ़ने मदरसे? नहीं, आज तो हमने उनको इस तरह की कोई इत्तला ही नहीं दी है, क्योंकि हमारे पास भी ये इत्तला कल ही आई है। आज से उसका काम हमने शुरू किया है, टीचर्स और असातिज़ा को उसके प्रूफ फार्मे तकसीम कर दिए गए हैं कि वो जल्दी से जल्दी माँ बाप से रابطہ करके और उसके प्रूफ फार्म में भर कर हमारे पास जमा करें, ताकि हमें यह मालूम हो कि कौन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कौन नहीं चाहते, किसके सरपरस्त तैयार हैं और किसके तैयार नहीं हैं। क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें? गाइडलाइंस जो हैं उसके अंदर वही जो पहले से चली आ रही हैं, सामाजिक फासला, सोशल डिस्टेंसिंग और इसके साथ साथ सैनिटाइज़ बच्चों को करना, थर्मल स्क्रीनिंग, एक दरवाज़े से बच्चों को लाना और दूसरे दरवाज़ों से छुट्टी के वक्त उनको निकालना। कितने मदरसे में बच्चे होंगे? मदरसे में जिन दर्जात के लिए, जिन क्लासेस के लिए ऑर्डर आए हैं वो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और इसके ऊपर कामिल के जो क्लासेस होते हैं उनके लिए ऑर्डर किया गया है। इसके तकरीबन 100 तालिब इल्म होते हैं। कहाँ कहाँ के बच्चे हैं? हमारे यहाँ पढ़ने वाले तलबा उत्तर प्रदेश के भी हैं, ज़िला रामपुर के भी हैं, उसके देहात और अतराफ़ के भी हैं। और चूंकि हज़रत ख़तीब आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक रामपुर की इल्मी शख्सियत थे, उनकी शख्सियत के बिना पर दूर दराज से यहाँ पर तलबा, ख़ास तौर से आसाम के तलबा, बिहार के तलबा, बंगाल के तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। और उनका कहना यह है कि हम किसी भी मदरसे से मुतमईन न होकर मदरसा फुरकानिया की तालीम से मुतमईन हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं कि ताकि यहाँ बेहतर तालीम हासिल करके अपने घरों को वापस लौटें। आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ चल रही? हमारी तरफ से तैयारी इसके लिए पूरी है, अगर माँ बाप और सरपरस्तों की रजामंदी हमें मिल जाती है तो इंशाल्लाह हमारे पास सब उसके इंतजामात हैं और जो ज़रूरी शर्तें हैं वो भी यहाँ पर पूरी हैं। आपको क्या लगता है कि कब तक आपके यहाँ पढ़ाई शुरू हो सकेगी, बच्चे? हाँ, अभी ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि सबसे बुनियादी चीज़ इसमें माँ बाप की रजामंदी है। अभिभावक और सरपरस्त जब तक इसके लिए तैयार ना हो, जब तक हम तालीम शुरू नहीं कर सकते। और यही हुकूमत उत्तर प्रदेश का सबसे अहम आर्डर और फैसला है, इसलिए हम इसका इंतज़ार करेंगे कि हमारे पास ये प्रूफ फार्मे और ये सब चीज़ें जमा हो जाएं, तब हम फिर दूसरा कदम तालीम के इंतज़ाम के लिए बढ़ाएं।